टीबी हर साल लाखों लोगों को शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से प्रभावित करती है। दुनिया में 2030 तक SDG की प्राप्ति की समय सीमा रखी है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारत ने साल 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य तय किया है, जिसके चलते नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम ने कुछ ही सालों में बहुत प्रगति की है। डायग्नोस्टिक सुविधाओं का बहुत विस्तार हुआ है, जिससे टेस्टिंग रेट में काफी वृद्धि हुई है। प्राइवेट सेक्टर की सक्रिय भागीदारी के साथ इस प्रोग्राम के तहत टीबी के मामलों का पता लगाने में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। बच्चों समेत सभी रोगियों के लिए देश भर में टीबी का ऐसा उपचार उपलब्ध कराया गया है जो इंजेक्शन मुक्त, असरदार और सुरक्षित है, तथा जिससे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी रोगियों का इलाज कम अवधि में संभव है। NTEP ने टीबी रोगियों की पोषण आपूर्ति के लिए 1488 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। वे लोग जो फेफड़ों के टीबी रोगियों के परिवार के संपर्क में आते हैं, सभी आयु वर्ग को प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट पहुंचाया है। टीबी के खात्मे के लिए मानवीय दृष्टिकोण बहुत आवश्यक है। जेंडर और टीबी से जुड़े भेदभाव के पहलुओं को केंद्र में रखते हुए NTEP 12,000 से अधिक टीबी विजेताओं के नेटवर्क के साथ काम करता है। NTEP टीबी उपचार के नतीजों में बेहतरी लाया है और उसे गर्व है कि उसने प्रमुख पक्षों के साथ मिलकर काम किया है, जिनमें विभिन्न मंत्रालय, सांसद, पंचायती राज संस्थान और कॉर्पोरेट सेक्टर भी शामिल हैं। ये प्रोग्राम उत्तम दर्जे की टीबी सेवाओं को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के जरिए जन जन तक पहुंचा रहा है। इन प्रयासों के चलते लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का बड़गाम जिला 2021 में टीबी मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। इस साल 8 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 91 जिलों को विभिन्न श्रेणियों के लिए सब नेशनल सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इस लड़ाई को जारी रखने के लिए हम ऐसी तकनीकें बना रहे हैं जिनसे बीमारी का पता लगाना व इलाज करने में प्रगति हो सके। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, जो छाती के एक्सरे को अपने आप पढ़ लेता है। सेंट्रल टीबी डिवीजन खांसी की आवाज पर आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक विकसित कर रहा है, जो टीबी की जाँच में काम आएगा, और इसके नतीजे बहुत उत्साहजनक रहे हैं। NTEP ने अपने साझेदारों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक ऐसी प्रक्रिया विकसित की है जो लाइन प्रोब एसे को पढ़ सकता है। ये टेस्ट ड्रग रेजिस्टेंस का पता लगाने के लिए किया जाता है। ICMR टीबी संक्रमण का पता लगाने के लिए CTB स्किन टेस्ट को परख रही है और NTEP इसे जल्द ही लागू करने के प्रयास में है। टीबी संक्रमण के लिए नए डायग्नोस्टिक टूल्स के बारे में भारत की योजना है कि एक कम अवधि के टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी को बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराया जाए। ICMR के अंतर्गत इंडिया टीबी रिसर्च कंसोर्टियम 2 वैक्सीनों पर परीक्षण कर रहा है और परिणाम जल्दी सामने आने की उम्मीद है। NTEP के प्रयास से हम सब मिलकर टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।